करूं मैं ऐसी शख्सियत कद इतना तस्किरा कम है वो जिसके दम से दीन हक की जामे आज तक दम है। जो दरबारे नबी दरबार रब में बा असर ठहरा जो बाद अंबिया दुनिया में सबसे मोतबर ठहरा वो जिसकी नेकियों पर हजरत फारूक हैरान है वही जिससे ताल्लुक पर अली उस्मान शादा है वही जिसकी सदा मेराज पर आका को आई थी वो जिसकी जीस्त दीने हक की हक में बस भलाई थी वही जो सबसे पहले मर्दों में ईमान लाया था वही जिसने हरम में डट के कुरान भी सुनाया था वही जिसने नबी को अपने कंधों पर बिठाया था रगों में जिसके इश्क मुस्तफा बेहद समाया था रिवायत में रसूलुल्लाह का जो हमराज आता है अरे वो कौन है जिस पर वफा को नाज आता है। रसूलुल्लाह का प्यारा सुसर सिद्दीक अकबर है कहो लोगों यही बारे दिगर सिद्दीक अकबर है इसी सिद्दीक अकबर को मैं अपना पीर लिखता हूँ। सहाबा के मुबारक काफले का मीर लिखता हूँ यूं ही लिखता रहूँ तो जिंदगी की शाम हो जाए मगर मुमकिन नहीं इस काम का इतमाम हो जाए। किताबों में पढ़ा मैंने बुजुर्गों ने सुनाया है ये किस्सा हिजरत नबवी का है जिसने रुलाया है। लो आओ आज ये किस्सा सुनो मेरी जुबानी सब कमी बेशी पे देना तू माफी है हमारे रब। हुए जब हद से बेहद बढ़ के जुल्म इस्लाम वालों पर खुदाए पाक की रहमत ने भी फैलाए अपने पर। हुआ हुक्मे खुदा यस रब की जानिब कूच कर जाओ वो बसती अमन की बसती है तुम इसमें सुकून पाओ। नबी की जान लेने के इरादे से बड़े कुफार हुए थे जम लेकिन सामने थे हैदर करार। नबी ने इनको उन सब काफिरों की ही अमानत का बनाया था अमी देकर सबूत अपनी सदाकत का किया था खामशी से रुख वफाओं के अमी घर का। यहाँ सब जान ले ये घर था उस सिद्दीक अकबर का। रसूलुल्लाह ने हिजरत की शब उनको बुलाया था यहाँ से हम मदीना जाएंगे उनको बताया था। वो खामोशी की वहशत और वीरा गार की खलवत और ऐसे में किसी आशिक ने पाई यार की जलवत। वो ऐसा बावफा जिसको नहीं थी जान की परवाह अगर परवाह किसी की थी तो बस जानान की परवाह। वो जिसको देख कर जाना कहे ए यार ला तहजन खुदा है साथ अपने ए मेरे गम
غم خار لا تحزن کسی سوراخ سے ابلیس کی اولاد آ نکلی کہ جیسے سانپ کی وہ کاٹنے کی ضد نہیں جاتی مگر جانان کی نیند اپنی ہر تکلیف سے بڑھ کر تقاضائے وفا بھی تو یہی ہے دیکھیے آ کر لعاب اپنا لگایا سرور عالم نے ایڑی پر کرشمہ ہے ہوا درد ان کا رفو چکر کچھ ایسے ہی کرشموں معجزوں میں اور وفاؤں میں ہوئی ہجرت مکمل آئے اسرب کی فضاؤں میں مدینے کے جو سادہ باسی تھے ان کو نبی سمجھے سمجھنے والے ان کو پھر خدا کا ایک ولی سمجھے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی مصعب یہ پروانہ ملا جنت کی جنت مل گئی مصعب یہ پروانہ ملا جنت کی جنت مل گئی مصعب